ये एक ही था क्या? एक ही था? हाँ एक ही है। आइटम कितने हैं? दो है। दो होते ना? ना नहीं एक ही है। एक में एक एक क्वांटिटी एक ही है इसमें? हाँ एक ही है। आपको तो एक ही आया? नहीं हमने तो दो ऑर्डर किए थे भाई। हेलो गाइस सर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सर, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट एक नंबर कंपनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ दिखाइए, ये देखिए गाइस, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किए दो वॉच मैंने ऑर्डर किए, और मेरे पास एक छोटी वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पूरा, ये देखिए यहाँ पूरा लिखा है चैन ब्लैक। मैंने एक वॉच ली है, तो यहाँ पे इसमें क्वांटिटी है दो, और इसके अंदर सिर्फ एक वॉच आई गई है, और हमसे पैसा लिया है पूरा दो का। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 416 रुपये हमसे पे किया है, जबकि एक वॉच 208 की थी, और दो वॉच मैंने मंगाई थी 416 की। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मेरे इसमें। तो कैसा, जैसे कि यहाँ पे मैंने खोल दिया है यहाँ पे शॉपसी ऐप, और मैं अकाउंट में जाके आपको दिखाता हूँ। माय ऑर्डर मैंने अभी रिटर्न में डाल दिया है दोनों, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक वॉच ये मंगाई है और एक वॉच मंगाई है, ये दोनों डिलीवर हो गई है, पर मेरे पे पहुँची अभी एक ही है। आप देख सकते हैं दोनों की 209 कॉस्ट है, और दोनों की 209 कॉस्ट 208 है और 209 है, और ये मुझे मिली है। खाली मैंने यहाँ पे लिखा है सब कुछ, उसकी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे रिटर्न के बारे में तो मैंने पूरा सब कुछ लिख दिया है, और मैंने लिख दिया कि मुझे पैसे चाहिए, पर अब देखते हैं हमारे दोनों वॉच के पैसे आते नहीं आते, क्योंकि मैं वॉच तो एक ही रिटर्न पर करवाऊंगा, क्योंकि मुझे एक ही मिली है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। और इनने हमें खाली एक वॉच दी है, और मैंने उनसे भैया से पूछा कि क्या है सीन ये वो, तो उन्होंने कहा कि एक अभी आएगी, पर एक अभी आई बिल्कुल नहीं है, और ये है इनका फेक। और अभी मैं इसको रिटर्न करता हूँ, अगर ये रिटर्न करते हैं और मुझे पूरे पैसे देते हो ठीक है, वरना मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इनको भी पता चले कि ये लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा। इनने क्या हमें फेक समझाया है लोगों को, ये मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से। मैं भी आपको सब स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ क्या है, और एक छोटी सी वीडियो भी दिखाता हूँ उसमें क्या है। बाकी मैंने फ़ोन किया उधर, बाकी बात की है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। बाकी अभी मैं इसको ऑफिस रख देता हूँ, फिर देखते हैं आगे। ये देखिए गाइस, इतना छोटा इनने पैक दिया है, आप खुद ही सोचो इसके अंदर तो दो डब्बे आ नहीं सकते। और मेरे पे वीडियो भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो फ्लिपकार्ट वाले भैया आए उनको भी हमने दिखाया, उनको भी हमने बताया कि ये देखिए, उनके सामने हमने अनबॉक्सिंग की और उनको दिखाया कि सिर्फ एक क्वांटिटी है, तो वो कहते हैं कि हम पे एक ही क्वांटिटी आई है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने शॉपसी ऐप से मंगाया है, शॉपसी भी फ्लिपकार्ट का ही एक वो है कंपनी है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, बाकी आगे मैं आपको बताते रहूंगा इस वीडियो में। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्क्रीनशॉट, और पूरे दो उसकी पूरी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और छोटी वाली वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने अनबॉक्सिंग की है वो दिखाता हूँ। मैंने हेल्थी से अनबॉक्सिंग की है, पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। खोल के देखना इसके अंदर, दो पकड़। ये एक ही था क्या? एक ही था? हाँ एक ही है। आइटम कितने हैं? दो है। दो होते ना? ना नहीं एक ही है। एक में एक एक क्वांटिटी एक ही है इसमें? हाँ एक ही है। आपको तो एक ही आया अभी? नहीं हमने तो दो ऑर्डर किए थे भाई। तो मतलब आ जाएगा, वो बहुत सारे ऐसा होता है ना, ऑर्डर एक एक तो गाइस सर, देखा मैंने अनबॉक्सिंग की, उसके अंदर एक आया था। मैं भैया से भी बात कर रहा था, और भैया ने भी ऐसी कहा, और पे हमसे दोनों के पैसे ले लिए। मैंने अभी रिटर्न में डाल दिया, तो देखो अभी क्या होता है। मुझे अगर पूरे पैसे मिले तो ठीक है, मैं वीडियो नहीं डालूंगा, तो मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं वीडियो पक्का अपलोड करूंगा यूट्यूब में, और बताऊंगा सबको कि फ्लिपकार्ट ये क्या कर रहा है, देखिए अपने कस्टमर के साथ। तो अभी फिलहाल, और ये देखिए गाइस, यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए पूरी 416 कॉस्ट है, 416 की कॉस्ट इन्होंने हमसे ली है, और यहाँ पे लिखा भी है दो क्वांटिटी, और आई हम पे सिर्फ एक क्वांटिटी है। जैसे कि मेरा अभी मतलब आज मेरा तीसरा दिन है, और मैं रिफंड हो गया है, और उनने मुझे पैसे भी मेरे बैंक में आ गए हैं, जो मेरे 400 रुपए थे वो आ गए हैं, और मैं अब थोड़ा खुश हूँ। पर लेकिन मैं डिसअपॉइंट भी हूँ, बिकॉज यार मैंने ना ये वॉच मंगाई थी किसी के लिए, मतलब मैंने अपने दोस्त के लिए मंगाई थी, उसका बर्थडे था, तो उसको गिफ्ट देना था, तब मैंने वॉच मंगाई थी, और अब उसका बर्थडे चले भी है, कल तक उसका बर्थडे था, और मैं उसको गिफ्ट नहीं दे पाया यार, क्योंकि फिर मुझे बहुत बुरा लगा मतलब। पर लेकिन ये मैं इससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे ये बेकार चीज है, हमने दो मंगाए तो दो आने चाहिए। तो शॉपसी ऐप में पता नहीं क्या झबला है, मतलब फ्लिपकार्ट में तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, अमेजोन में कभी ऐसा नहीं हुआ, सब मैंने शॉपसी से मंगाया तभी ऐसा हुआ, पर कोई बात नहीं, उन्होंने हमारा पैसा रिटर्न किया, और उन्होंने अलग से फोन करके कहा कि हम अपोलोजाइज करते हैं, ये करते हैं, तो मुझे सही लगा, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है।
बस ये है कि थोड़ा मेरा दोस्त का रह गया, पर मैंने उसको दूसरा गिफ्ट दे दिया था दोस्त को, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। मैंने घर से पैसे मांग के दूसरा गिफ्ट दे दिया था। तो गैस वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ, और बाकी ये सब मेरे साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि किसी और के साथ ना हो, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब शॉपसी से मंगाओ तो शॉपसी से क्वांटिटी दो में मत मंगाना, एक ही में मंगाना, और मंगाना हो तो फ्लिपकार्ट से मंगाना। बाकी मेरी यही राय है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।